क्या बात है भ्राताशक्ति? तुम्हारी चाल कह रही है कि तुम आनंद के बादलों पर चल रहे। आनंद का तो समाचार ही मिला है महाराज। अच्छा, ऐसा क्या सुन लिया तुमने? आपके सुप्रिय अनुज। क्या हुआ प्रिय पांडु? हुआ तो कुछ नहीं, परंतु लक्षण गए थे राग रंग के लिए और रम गए सत्संग में। राजभवन से तपोवन तक की लंबी यात्रा आरंभ कर दी है आपके प्रिय अनुज ने। भरत वंश में तपोवन की बड़ी महिमा है। कितने ही भरतवंशी राजकुमार तपोवन में जा चुके हैं। सत्संग में जाना तो सत्पुरुष की शोभा है भ्राताशक्ति। यहाँ मेरे अतिरिक्त आपके ये वाक्य सुनने वाला और कोई नहीं है जीजाश्री। मैं वही कह रहा हूँ जो मेरे मन में है। दूर ही क्यों जाए, स्वयं महाराज शांतनु के ज्येष्ठ भ्राता ने संन्यास ले लिया था। यदि ऐसा ना हुआ होता तो महाराज शांतनु को ये राजमुकुट मिला ही नहीं। राजमुकुट अभी तक तो वहीं है जहां उसे होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि पांडु तपोवन में रहे और आप यहां राजभवन में। नहीं नहीं, ये राजमुकुट तो अनुज पांडु का। ये राजमुकुट पांडु का है ही नहीं, इसे तो विदुर के कपटी राजनीति ज्ञान ने आपके सिर से उतार कर उसके सिर पर रख दिया है। ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र विदुर की नहीं, विधाता की रचना। ये सब मन बहलाव की बातें हैं जीजाश्री, परंतु मैं इस छल कपट के लिए उस दासी पुत्र विदुर को कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं। यदि अवस्थाओं से युद्ध करने की शक्ति ना हो भ्राता शकुनी, तो उनसे संधि कर लेने में ही भलाई। पांडु का यही उपकार क्या कम है कि उसने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहला आदेश यही दिया कि मुझे महाराज धृतराष्ट्र कहा जाए। अब से पहले तो किसी राजा ने ऐसा आदेश नहीं दिया। आज से पहले इस राजभवन में बैठे बैठे आपकी तरह किसी ने अपना राज मुकुट नहीं खोया था जीजा महाराज। जिसे आप उपकार समझ रहे हैं वो आपका अपमान है। नहीं भ्राता शकुनी, नहीं। अनुज की ओर से मेरे मन को मैला करने का प्रयास ना करो। भगवान उसे लंबी आयु। मैं जो नेत्रहीन ना रहा होता तो कब का संन्यास ले लिया होता। और यदि आप नेत्रहीन ना होते तो आप सन्यासी भी ना होते जीजाश्री, आप हस्तिनापुर नरेश होते।